Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि प्रॉस्पेक्ट की नीड को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को दिक्कत आती है कि नीड आइडेंटिफाई किस तरीके से करें, नीड आइडेंटिफाई कैसे हम कर सकते हैं अच्छी तरीके से, जिससे कि आप उस प्रॉस्पेक्ट को आगे के लिए भी क्लोज कर सकते हो और उसकी नीड पर भी काम कर सकते हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से प्रॉस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। एंड अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप भी इस तरीके से प्रॉस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई करते हो, नहीं करते तो आज से आपको इसी तरीके से नीड आइडेंटिफाई करना सीखना। सो गाइस, वीडियो के स्टार्ट करते हैं टाइम को ना क्लियर करते हुए। सो गाइस, आफ्टर प्रेजेंटेशन या फिर आफ्टर 3 डेज ट्रेनिंग आप प्रॉस्पेक्ट की आराम से नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप उससे पूछ सकते हैं कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। उसे टाइम दीजिए 2 सेकंड का, 5 मिनट का, जैसे भी सोचने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसे कुछ ऑप्शन दे दीजिए, जैसे कि करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, फैमिली। वो अपने हिसाब से उसको चूज कर लीजिए, क्योंकि घूम फिर के बाद हमारे पैसे पे ही आएंगे। उसके साथ साथ आपने कुछ प्रोएक्टिव वर्ड्स का यूज करना है, जैसे कि कब, कैसे, मतलब, ऐसे वर्ड्स का यूज करना है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, उसने करियर ऑप्शन को चूज किया, ठीक है। आप उससे पूछ सकते हो कि आपने करियर ही क्यों चूज किया, तो बोलेगा कि करियर जब हम बनाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी बनती है, लोग हमारे नाम को पहचानते हैं। तो आप उससे बोल सकते हो कि अच्छा, आपकी लाइफ के अंदर जो मेन मोटिव है वो पैसा कमाना है, राइट। अभी के टाइम पे आपको कितने रुपए की नीड है पर मंथ एज अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट को तो 5,000 की नीड होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो उससे पूछना है ये भी कि आने वाले 5 साल के अंदर आपको कितने पैसे आने लगे। तो बोलेगा कि मिनिमम 1 लाख की अप्रॉक्सीमेटली तो आने चाहिए, ठीक है। तो आप उससे ये बोलिए कि अच्छा, आपको कोई कार पसंद है? तो बोलेगा कि हाँ जी, पसंद है मुझे कार। तो पूछिए उससे कौन सी कार पसंद है, क्रेटा पसंद है, फॉर्च्यूनर पसंद है। तो आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने रुपए की आती है वो। आप ये भी पूछिए कि अच्छा, घर भी पसंद होगा? फिर तो आपको तो बोलेगा हाँ जी, बिल्कुल लेना है मेरे को, ठीक है। दोनों चीज को कैलकुलेट करके आप उसे बताइए कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर 1 लाख की सैलरी से क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, क्या आप इन सब चीजों को अफोर्ड कर सकते हो? तो 99% केस के अंदर पर्सन बोलेगा नो। उसके बाद आपने FLP का ऑप्शन रखना है कि अगर आप फॉरएवर करते हो, ओके, एंड आफ्टर 5 ईयर्स बाद क्या ये सारी चीजें यहाँ से आप अचीव कर सकते हो? तो पर्सन 100% यस बोलेगा, यहाँ से मैंने खुद ये सारे रिजल्ट लिए हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वहां पे आप FLP का ऑप्शन रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमको पता भी लग गया कि प्रेजेंट टाइम में उसको कितने रुपए की नीड है एंड आने वाले टाइम पे उसे कितने पैसे की नीड है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर एक वीडियो भी शेयर करूंगी। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको नॉलेज मिली हो, ठीक है, आपकी हेल्प हुई हो उस वीडियो से, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मेरा जो टारगेट है मेनली वो 1000 सब्सक्राइबर्स का है और आप मेरी हेल्प करो, ठीक है गाइस। जब मैं आपके लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकती हूँ तो आप मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड